नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों पर। फर्रुखाबाद जिले के पंचाल घाट स्थित गंगा तट पर इलाहाबाद की तरह लगने वाला मेला लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष मेले में जो झोपड़ी 700 रुपये में बेची थी, वह इस बार 800 रुपये में बिक रही है। एटा में चलती गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से गाड़ी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सिंगरौली में एनटीपीसी ने फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। एक शख्स की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के अंदर ही ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि शख्स के ऊपर प्लेट गिरने से उसकी मौत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि घटना कल दोपहर की बताई जा रही है, इसके बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन घटना को लेकर अनजान बना बैठा है। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू बस पलट गई है। हादसे में चालक की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया। हाथरस के सिकंदरा राहू पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 14 महीने से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्त में आ गया है। फिलहाल बदमाश के गोली लगी है, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया है। बदमाश के पास से अवैध असला और कारतूस जब्त किए। कानपुर में बीच सड़क पर एक मनचले ने युवती से छेड़खानी की, जिसके बाद युवती ने मनचले को पकड़ लिया और जमकर धुनाई लगा दी है। पुलिस ने मामला शांत कराया है, शख्स को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। और वहीं प्रतापगढ़ में मवेशी तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में तस्कर गोली लगने से घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस, ट्रक सहित 15 गौवंश बरामद किए। महोबा में देर रात चोरों ने एक मोबाइल शोरूम से 20 लाख रुपए के सैकड़ों मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। साथ ही 20,000 रुपए की नकदी भी लेकर फरार हुए हैं। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। हरदोई में बाइक सवार लुटेरों ने बैंककर्मी को तमंचे की बट से पीटकर घायल कर दिया। रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया है। बैंककर्मी ने लूट होने की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। महोबा में 2 दिन पहले लापता हुआ बच्चे का शव 12 फीट गहरे गड्ढे में मिला है। मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस अफसरों के समझाने पर आक्रोशित लोग शांत हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच शुरू की। बरेली में अराजक तत्वों ने कोरोना की दवा में कुत्ते और गाय का खून मिला हुआ है, इसको ना लगवाएं, ऐसे पर्ची में लिखकर इलाके में फेंक दिए हैं और फरार हो गए। पर्ची मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल यूपी फटाफट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।